नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक मानव शरीर में कई पार्ट होते हैं, हाथ पैर, आंख, मुंह, किडनी, लीवर, ऐसे ना जाने कितने। उनमें एक और अंग है हार्ट। वो हार्ट जो चलता है तो हम जिंदा रहते हैं, जिस दिन इसने धड़कना बंद कर दिया उस दिन इंसान की मौत हो जाती है। इस हार्ट से जुड़ी एक बीमारी है जिसे हार्ट अटैक कहते हैं। और आपको यह भी बताएं कि आए दिन आप सुनते रहते होंगे कि किसी को हाई बीपी के बाद हार्ट अटैक आया और मौत हो गई, तो किसी की अन्य वजह से हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। आज हम इस पर बातचीत भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। तीन तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं जो पिछले 24 घंटे की हैं, जहां हार्ट अटैक और हाई ब्लड प्रेशर के तीन ऐसे ही मामले सामने आए हैं। एक गुना की तस्वीर, दूसरी इंदौर की, तीसरी निवाड़ी की। तीन तस्वीर आप देख रहे हैं। इंदौर में एक ही दिन में साइलेंट अटैक से तीन लोगों की मौत हो गई। साइलेंट अटैक ने ऑर्केस्ट्रा कलाकार, पुलिस जवान और केटरिंग का काम करने वाले युवक को अपना शिकार बनाया। जवान अयस सिंह परिहार बच्ची के पेपर दिलाने के लिए छुट्टी पर आया था, लेकिन हार्ट अटैक का शिकार बन गया। वहीं दूसरा युवक, जिसका नाम जितेंद्र सिंह बताया जा रहा है, वो गुजरात में केटरिंग का काम करने के लिए जा रहा था। रास्ते में वो नाश्ता करने रुका था, लेकिन हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। साइलेंट अटैक के तीसरे शिकार का नाम दीपक गौड़ बताया जा रहा है, जो ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट था और सोते समय उसकी मौत हो गई। समय से पहले मृत्यु गुजरात गए थे। कल मॉर्निंग में ये यहाँ से निकाल दिए, नाइट में। कल मॉर्निंग उतरे वहाँ एक होटल में नाश्ता पानी करने के लिए। आठ लड़के थे, उसमें से एक लड़के को नाश्ता वास्ता करा और एकदम गाड़ी में बैठने जा रहा था और गिर गया। और फिर अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला जिसम मोर खत्म हो गया। हाँ, साइलेंट अटैक से मौत। क्या नाम था? जितेंद्र। क्या उम्र थी? 35 साल उम्र थी। 8:30 बजे करीब उनको अचानक हार्ट अटैक जो भी हुआ, और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया, शशि नर्सिंग होम, उसने नहीं लिया। उसके बाद में सेल्वी हॉस्पिटल लाया गया और वहाँ पर उनका अनमोल मिले गए। हाँ, हार्ट अटैक हुआ था। कौन कौन है परिवार में? परिवार में इनकी दो बच्ची है और एक बच्चा है छोटा। कौन सी क्लास में बच्ची थी? बच्ची 10वीं क्लास में थी। निवाड़ी में पटवारी को हार्ट अटैक आ गया। देर रात काम कर रहा था और काम करते वक्त उसे हार्ट अटैक आया। निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा था और फिर उसकी मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक पटवारी को आया और उसकी जान चली गई। लगातार हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बढ़ता जा रहा है और युवाओं में सबसे ज्यादा ये मामले जो हैं सामने आ रहे हैं। काम करते वक्त अचानक से हार्ट अटैक आया और गिर गया। क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान भी हार्ट अटैक आया और एक युवक को दिल का दौरा पड़ा, युवक की मौत हो गई। अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था युवक, वहां पर भी ये बड़ा जो है मामला सामने आया है। निवाड़ी में पटवारी को हार्ट अटैक आया और देर रात वो काम कर रहा था और निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से हार्ट अटैक इस पटवारी को आया। अचानक से तड़पने लगा, चेयर से गिर गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। अचानक से हार्ट अटैक के ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जीवन शैली जिस तरह से लोगों की बदल रही है, खान पान बदल रहा है, उसका सीधा असर आम जन पर, युवाओं पर देखा जा रहा है। गुना की तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहां पर भी युवक को हार्ट अटैक आया। क्रिकेट टूर्नामेंट था और खेलने के दौरान ही उसको अटैक आ गया। अपने बल्लेबाजी का इंतजार कर रहा था युवक, पर उसे नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। दिल का दौरा पड़ने लगेगा उसको और अचानक से दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो जमीन पर गिर गया। फतेहगढ़ कस्बे में ग्राम पंचायत स्तरीय टूर्नामेंट चल रहा था, उसी दौरान यह हुआ। युवक की 2 महीने पहले शादी हुई थी और अभी अचानक से मौत हार्ट अटैक से। गुना का हम जिक्र कर रहे हैं,
जहां पर टूर्नामेंट चल रहा था, क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था, उसी दौरान युवक को हार्ट अटैक आया, दिल का दौरा पड़ा और अचानक से वो गिर पड़ा, उसकी मौत हो गई। साइलेंट अटैक, साइलेंट मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और इसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। युवा इसकी चपेट में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। जीवन शैली में बदलाव, खान पान में जिस तरह का बदलाव अब लोगों द्वारा किया जा रहा है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कारण है कि लोग इसका शिकार हो रहे हैं और साइलेंट अटैक उन्हें आ रहा है। और खास चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर मधुर जैन सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधुर जी आपका। नमस्कार। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से साइलेंट अटैक के ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, युवा सबसे ज्यादा इसका शिकार हो रहे हैं। आखिर हम क्या वजह इसके पीछे माने? खान पान में बदलाव, जीवन शैली में जिस तरह से बदलाव लोगों के आया है, ये मुख्य कारण माने या कुछ और भी कारण हो सकते हैं? देखिए, ये कारण तो है ही, लोगों के खान पान में बदलाव आया है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ा है, स्मोकिंग, अल्कोहल जो है, ये सब चीजें बढ़ी हैं, तो ये तो कारण है ही। लेकिन कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं, सिर्फ हम हार्ट अटैक को ही इन सब चीजों का दोषी मानते हैं। ये जो आपने तीनों केसेस दिखाए, एक्चुअली ये कार्डियक अरेस्ट है, ना कि हार्ट अटैक, इनको हम नहीं कह सकते। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फर्क है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ट एक पंप है जो कि ब्लड को सारे ऑर्गन्स में पहुंचाता है पंपिंग करके। अगर वो पंपिंग किसी वजह से बंद हो जाए तो उसे हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो जो तीनों केस आपने दिखाए, ये कार्डियक अरेस्ट के थे। हालांकि कार्डियक अरेस्ट का एक कॉज हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक होता है कि हार्ट को जो ब्लड पहुंचाती है नसें, अगर उनमें सडनली ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट अटैक होता है। तो ये जो तीनों केसेस आपने दिखाए कार्डियक अरेस्ट के हैं, इसका एक कारण हार्ट अटैक है। नंबर दो, कार्डियक मसल, जो हार्ट के जो मसल्स होते हैं अगर वो वीक हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ आनुवांशिक या जन्मजात बीमारियां होती हैं जिसमें कि हार्ट की धड़कन बिगड़ जाती है, तो उन हार्ट की धड़कन बिगड़ने की वजह से भी ये सडन कार्डियक डेथ हो सकता है। तो इसके बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं जो कि अगर उनको हम देखा जाए तो हम इससे पहले से हम बच सकते हैं। जी जी मधुर जी, वही जिसका आप जिक्र करने की, कई सारे वार्निंग साइंस होते हैं, हमें पहले ही कहीं ना कहीं आभास हो जाता है इन चीजों का, पर हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसे कौन से साइन रहते हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इससे बच सके, अटैक से बच सके? जी, इसका सबसे बड़ा ये है कि अगर कोई भी काम करते हुए आपको चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी की होने की संभावनाएं हो रही हैं, या आपके घर में किसी को पास में, अगर आपके किसी घर में कि सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका शुगर अनकंट्रोल्ड है, आपका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज आया है, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। और स्पेशली अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज की, ब्रेन अटैक की, तो इन सब चीजों के रिस्क आपको बढ़ जाते हैं। अगर आपको चलने में सांस फूलता है, छाती में दर्द होता है, कभी भी किसी भी तरह की बेहोशी या चक्कर आना महसूस हुआ, स्पेशली कुछ काम करने के बाद, तो आपको हाई रिस्क है कि आपको हो सकता है ये सब चीज, हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, तो आपको इमीडिएटली आपको डॉक्टर के साथ जाकर के मिलना चाहिए और अपने टेस्ट वगैरह कराने चाहिए। जी डॉक्टर साहब, हमने कई सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं जहां पर उम्र ज्यादा नहीं है, युवा हैं, और जब सारी जांचें होती हैं या बाद में पोस्टमार्टम होता है तो उसमें भी यही आता है कि किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं थी पर अचानक से उसकी मौत हो गई, हार्ट अटैक आ गया, तो आखिर ऐसी स्थितियां भी क्यों बनती हैं? देखिए, हमारे जैसे कि हमारी एज बढ़ती है, हमारी स्किन बूढ़ी होती है, हमारे बाल सफेद होने शुरू होते हैं, ऐसी हमारी आर्टरीज जो होती हैं, जो ब्लड पहुंचाने वाली आर्टरी होती है हार्ट में, उनमें भी प्लाक बनने शुरू हो जाते हैं। तो माइनर प्लाक होते हैं। जिन लोगों में रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं उनमें प्लाक बहुत बड़े बड़े होते हैं। जब वो किसी वजह से मेंटल, सोशल या फिजिकल स्ट्रेस की वजह से अगर वो प्लाक फट जाता है, तो सडनली जो प्लाक के अंदर जो फैट मटेरियल होता है वो ब्लड वेसल के अंदर आ जाता है और ब्लड का ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। तो देखिए, अगर हम रिस्क फैक्टर से बच के रहें, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल ना उसका यूज करें और रेगुलर समय पर अपना चेक कराएं, ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड प्रोफाइल को अपना विद इन कंट्रोल रखें, स्पेशली अगर आपके घर में किसी को इस तरह की हिस्ट्री है तो उनका भी और अपना भी ध्यान रखें, और लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, सुबह शाम वॉक करें, तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हमने ये भी देखा कि पहले की अगर तुलना में, हम वही मेरा जिक्र है, वही मेरा सवाल है कि सॉरी, पहले बड़े बुजुर्ग जो होते थे बहुत ज्यादा शिकार होते थे, अब युवा ज्यादा शिकार हो रहे हैं हार्ट अटैक के, साइलेंट अटैक के। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या ऐसी भी स्थिति निर्मित हो सकती है कि शायद छोटे बच्चे भी इसका शिकार हों?
और अगर होते हैं तो कैसे ही पहले इन चीजों का ध्यान रखा जाए? देखिए, छोटे बच्चों का तो मुश्किल है होना, क्योंकि मैंने जो बताया वो प्लाक 30-40 साल के बाद ही बनने शुरू होते हैं। लेकिन यह है कि आप ये सोचिए कि पहले बड़े बुजुर्ग लोग होते थे। आप ये खुद बताइए कि जो आपके दादाजी दादी जी या नाना नानी जो खाना खाते थे, क्या आप वही खा रहे हैं? जो उनका लाइफस्टाइल था, क्या आपका वही लाइफस्टाइल है? जिस तरह की वो जिंदगी जी रहे थे, जिस तरह के वो काम कर रहे थे, जो उनका स्ट्रेस का लेवल था, क्या आपका है, क्या आपका अलग नहीं है? क्या आपका स्ट्रेस का लेवल अलग नहीं है? क्या आपका खान पान में बदलाव नहीं है? आप अपने खुद कंपेयर कीजिए, अपने अपने दादा दादी से, नाना नानी से आप खुद कंपेयर कीजिए। अपने फादर मदर से ही आप कंपेयर करेंगे तो आपके लाइफ स्टाइल में फर्क है। आपका लेवल, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बढ़ चुकी है, आपकी जिंदगी में काम का लेवल बढ़ चुका है, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, आपका बैठ के करने वाला काम बढ़ चुका है। हमारे दादा दादी नाना नानी बहुत एक्टिव हुआ करते थे, मोस्टली विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में रहा करते थे, लाइफस्टाइल अलग तरीके का था। अब लाइफस्टाइल बिल्कुल तरीके का हो चुका है। अभी भी आप देखेंगे तो ये जो सारे जो केसेस बताए आपने सिटी में ज्यादा बताए हैं, और अगर विलेज साइड में जाएंगे तो थोड़े कम होंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल का मेन फर्क इस चीज में है। जी जी, और ये भी हम सबसे ज्यादा आप भी जिक्र कर रहे हैं कि मेल में हमने ज्यादा देखा है, फीमेल्स में इतना नहीं देखा है, तो आखिर इसका सीधा प्रभाव मेल पर क्यों, सबसे ज्यादा क्यों प्रभाव आदमी पर पड़ रहा है इसका? जी देखिए, मेल 45 ईयर से ऊपर के मेल में डेफिनेटली रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, फीमेल में 55 के बाद आता है एज इन जनरल, लेकिन आ किसी को भी सकता है। फीमेल्स अपने एक तो मोस्टली घर में रहती हैं, हाउस वाइफ होती हैं, तो स्ट्रेस का लेवल थोड़ा सा कम उस तरह से रहता है। कुछ हार्मोन्स जो हैं उस वजह से प्रोटेक्ट रहती है हार्ट की तरफ के लिए, और जैसे ही उनमें मेनोपॉज की स्थिति आती है उसके बाद आदमियों का और औरतों का रिस्क बराबर हो जाता है। एक यहाँ पर एक खास ध्यान देने वाली बात और भी है कि आदमियों में टिपिकल सिम्टम्स आते हैं, छाती में दर्द होगा, घबराहट होगी, सांस फूलेगा, और ये सब चीज सिम्टम्स होते हैं हार्ट अटैक के। लेकिन फीमेल्स में एटिपिकल सिम्टम्स आते हैं, बहुत माइल्ड सा पेन बताएंगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम बताएंगी, पसीना ज्यादा आएगा, तो ये सब चीजें इनको कहते हैं एटिपिकल सिम्टम्स, जो कि फीमेल्स में ज्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है, अपने हार्मोनल सिस्टम की वजह से वो थोड़ा सा कार्डियक साइड से प्रोटेक्टेड रहती हैं अप टू मेनोपॉज। जी, 20-25 साल के युवा, हमने कई ऐसी भी तस्वीरें देखी कि जिम में वर्कआउट करते करते अचानक से साइलेंट अटैक आया, मौत हो गई। एक तस्वीर हमने बीच में ये भी देखी थी कि एग्जाम देने गया था छात्र, और अचानक से उसे वहां पर एग्जाम देता देते लिखते लिखते वहां पे अटैक आया, उसकी मौत हो गई। यहां पर कम एज में भी जो शिकार हो रहे हैं वो आखिर क्या करें? जी देखिए, मैं ये कहूंगा कि मैंने पहले ही बताया था कि वो सडन कार्डियक अरेस्ट है। कुछ लोगों में अनुवांशिक जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो एबनॉर्मल होता है। जैसे हमारे ईसीजी की आप वेव्स देखते हैं, उसमें 3-4 वेव्स ऊपर नीचे होती हैं, उनमें उस ईसीजी की वेव में कुछ जन्मजात कुछ समस्या होती है। तो अगर उनको कोई स्ट्रेस आती है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि फुटबॉल खेलते खेलते किसी प्लेयर की सडन डेथ हो गई है ना, या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किसी की डेथ हो गई, या आपने भी बताया था बल्लेबाजी का वेट कर रहा था, तो उनमें वो अनुवांशिक बीमारियां जो हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो अनुवांशिक बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर, लेकिन ये अनुवांशिक होते हैं, आपको है तो हो सकता है आपकी पिछली पीढ़ी में या उससे पिछली पीढ़ी में भी किसी को ऐसा हुआ हो। अगर जिनके पिछली पीढ़ियों में ऐसा हुआ है तो उनको स्पेशलिस्ट बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। एक सवाल यहाँ पर छोटा सा मेरा ये भी है कि जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, क्या उन पर ज्यादा इसका खतरा बना रहता है, क्या जिमिंग करते हैं या स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं? स्पोर्ट्स में रहने पर खतरा उन लोगों का बढ़ जाता है जिनको पहले से उस तरह की अनुवांशिक बीमारी है। अगर किसी को अनुवांशिक बीमारी है और वो इतनी स्ट्रेस का लेवल नहीं ले रहा है, नॉर्मल अपना रूटीन काम कर रहा है, तो हो सकता है पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल दे। लेकिन स्ट्रेस, जो फिजिकल स्ट्रेस है, वो स्पोर्ट्स का बंदा अगर लेता है, उसको अनुवांशिक बीमारी है और वो इतनी स्ट्रेस लेता है, तो उसको वो बीमारी सरफेस पे आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी जुड़ने के लिए, खास जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। तो आप भी सुन रहे थे कि हार्ट अटैक से आखिर किस तरह से बचा जाए और जीवन शैली में किस तरह से बदलाव किया जाए, जो हेल्दी डाइट है, फायदेमंद जो हरी सब्जियां हैं उन्हें अपनी डाइट में शामिल किया जाए। फिलहाल इसी के साथ यहां रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।